हेलो फ्रेंड, आई एम आनंद राजपूत फ्रॉम चिप्ट्रॉनिक्स। आज हम आपको रेगुलेटर्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि इस बोर्ड में हम देखें, हमने ये सप्लाई इनपुट की है और इसकी स्टैंडबाई कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज कहाँ था, ये मीटर मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज में सेट किया है 40, और हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि 12 वोल्ट ओके और नॉट ओके, 12 वोल्ट ही ओके। दिस 12 वोल्ट आपके इस रेगुलेटर आईसी से 5 वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 5 वोल्ट रेगुलेट हो रहे हैं। 6 पिन की आईसी लगी हुई है और ये कॉइल लगी हुई है, 5 वोल्ट रेगुलेटर है। ये 5 वोल्ट आपका रेगुलेटर पर जाते हैं और फिर से हमारा ये रेगुलेटर। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट ही नहीं बन रहे होते। जैसे कि अभी इस बोर्ड में हम ऑन करें तो 5 वोल्ट बन रहे हैं। इस देखें, इसमें हमारा 5 वोल्ट ही नहीं बन रहा है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि 5 वोल्ट कैसे बन रहे हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा बोर्ड की, ये 5 वोल्ट किस कंपोनेंट के थ्रू आते हैं। हमने यहाँ पर देखा और डीप रेंज में मल्टीमीटर को रखेंगे और यहाँ पर ट्रेस करेंगे किसी रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रहा होगा। और फिर हम इधर देखेंगे, फिर हम इधर देखेंगे, ओके, फिर हम इधर से देखेंगे ये 5 वोल्ट इनपुट, इस रेजिस्टेंस पे आपका शो कर रहा था कि आप देखेंगे और इस ट्रांजिस्टर से आ रहे हैं और इस ट्रांजिस्टर के बेस से देखेंगे ये डायरेक्टली कनेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारे इस पर जाते हैं। ये देखो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर पे चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ये ट्रांजिस्टर आउट नहीं करेगा, सप्लाई इनपुट किया जीरो वोल्ट, इनपुट 5 वोल्ट हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है लेकिन आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ओके। यानी आपका ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है और इससे लगा रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकता है। वोल्टेज चेक करेंगे